यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। क्या हाल चाल है जी, कमेंट करके जरूर बताया करें। आज की वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूं जहां पे मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था। आज मैं आप लोगों को देने वाली हूं ट्रेड सेंटर का विजिट, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जी बहुत मज़े की और जी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं सब कुछ बताऊंगी यहाँ पे, क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, अफोर्डेबल थी कि नहीं थी, एक्सपेंसिव थी, तो जी सारा कुछ बताऊंगी। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अंदर चलते हैं बताते हैं। और मैं वैसे बता दूँ, ये भावलपुर में ट्रेड सेंटर, जो लोग यहाँ के नहीं हैं तो उनके लिए बता रही हूँ मैं। तो ये देखें जी, हम एंटर कर चुके हैं और ये जाते साथ जिस तरह के ये कपड़े खड़े हुए थे, अच्छे थे, ये थ्री पीस सूट थे, ये देखें एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। और ये देखें, ये जाते साथ एक शॉप आती है, बिल्कुल सामने है, उनके पास ये सारी शर्ट्स थी और शर्ट्स भी थी पूरे पूरे, उनके पास सूट भी थे। यहाँ पे जितनी भी शर्ट थी ना, सब की सब रीजनेबल थी, कोई इतने ज़्यादा प्राइस नहीं थे उनके। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद तो वैसे हिसाब पूरा हो जाता है ना। तो और जी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। इस दफ़ा तो जाके ना मुझे वैसे काफ़ी खुशी हुई ट्रेड सेंटर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, हर शॉप पर अलग कलेक्शन थी, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप लोगों ने अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, बल्कि ईद के लिए यहाँ से कपड़े लिए जा सकते हैं। उसके बाद जी ये जी बुटीक थी, ये भी बहुत अच्छी है। मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने बाहर से दिखा दिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लें। समर कलेक्शन तो थी ही थी, लेकिन जो ये फैंसी कपड़े होते हैं ना, वो भी अन्नी वाह पड़े थे, मतलब इतने ना, जिनकी आगे कोई कुछ अरसे बाद शादियां वादियां हैं तो वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि वो सब कपड़े सेल पे थे। और सेल पे ये मतलब नहीं कि बहुत गंदे थे, बहुत ज़बरदस्त थे सेल पे भी। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सेल लगी हुई 3000 का ये सूट था पूरा, तो ये दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें से ना मैंने कुछ सेलेक्ट करके ना दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। बहुत अच्छे थे, एम्ब्रॉयडरी भी थी और इनमें भी लॉन वाला स्टफ भी था, और जो दूसरा होता है ना रेशमी था और शिफॉन जैसे कह लें। तो ये देखें, ये जी रॉ सिल्क थी, आई थिंक नहीं सिल्क नहीं थी, पता नहीं कतान सिल्क होती है ना, इस टाइप का कपड़ा होता उसका था। और ये देखें, ये ब्लैक था, एम्ब्रॉयडरी थी इसके ऊपर भी सारी 3000 में, मतलब स्टिचिंग है ऊपर, एम्ब्रॉयडरी है, तो बंदा उस हिसाब से बहुत अच्छे थे। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था शादी वादी पे पहनने के लिए। तो उसके अलावा और भी मैं दिखाती हूँ, अभी नहीं बस इतने ही दिखाए थे मैंने। और ये शूज़ की शॉप थी बुटीक, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हैं, मैंने अभी वैसे कुछ लिया नहीं है, तो बस विजिट ही किया आप लोगों के सामने जो दिखा रही हूँ। उसके बाद जो स्टॉलर्स लगे हुए थे, ओए होए, जो स्टॉलर्स की वैरायटी थी ना, मैं कहती हूँ कमाल, इतने सॉफ्ट स्टॉलर 3300 में, 4400 में आपको ईजिली यहाँ से मिल सकते हैं। वैसे ये बाज़ार, शाही बाज़ार से भी मिल जाते हैं इसी रेंज में ना। तो यहाँ पर भी थे, ये चादरें थी जो अम्मियाँ वगैरह लेती हैं। उसके बाद ज्वेलरी थी, ज्वेलरी तो इतनी अच्छी है ना यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी ना एक्सपेंसिव है मार्केट के हिसाब से, जो आप बाजार से लेते ना वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। लेकिन ज्वेलरी की जो वैरायटी थी ना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी बाज़ार में भी नहीं मिलेगी जो कि वैरायटी यहाँ पे थी। बहुत वास्ट वैरायटी थी, मतलब कमाल की थी, बहुत मज़े की मतलब ज्वेलरी थी। उसके बाद ये टिशू के दुपट्टे हैं, जिन्होंने लेने हैं वो यहाँ से आके ले सकते हैं। इनके प्राइस मुझे याद नहीं है कि कितने थे, पता नहीं। तो ये दुपट्टे यहाँ पे सारे टिशू के लगे हुए थे, लेकिन आजकल तो बहुत गर्मी है, देख के भी गर्मी लग रही थी इनको। उसके बाद ये स्टॉलर्स लगे हुए थे, जो फैंसी स्टॉलर्स होते हैं ना, ये भी बहुत प्यारे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो जी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ट्रेड सेंटर, जिसने जाना है जल्दी जल्दी जाएँ, क्योंकि बहुत दस वैरायटी है हर चीज़ की वहाँ पे ना। तो दुआएं देंगे आप लोग मुझे। उसके बाद ये देख लें, शादियों में जो लेते हैं। उसके बाद ये 4400 वाले भी स्टॉलर्स लगे हुए थे, 300 के भी लगे हुए थे, तक स्टॉलर्स की भी ना रेंज थी, डिफरेंट डिफरेंट रेंज थी, तो स्टफ़ में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क था। उसके बाद ये ट्राउजर्स थे, इजीली मिल जाते हैं रेडीमेड ट्राउजर्स, बहुत अच्छे अच्छे थे, डिज़ाइनिंग वाले थे, इसमें से जल्दी जल्दी चुरा लें आप लोगों ने जो जो डिज़ाइन चुराना है। उसके बाद जी ये अच्छा एक शॉप थी, उस पर गए थे, इस पर ना बहुत अच्छे थे वैसे, लेकिन थोड़े से ना मुझे एक्सपेंसिव लगे। शर्ट्स थी जो कि 3500 4000 की, 3000 की शर्ट थी, सिर्फ शर्ट थी, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, लेकिन ये भी इसकी क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी थी। उसके बाद जी थोड़ा सा सुनसान भी पड़ा था, पता नहीं क्यों सुनसान था, लेकिन ये वैसे सुनसान ही रहते, इतना रश नहीं होता ट्रेड सेंटर में ना। उसके बाद जी हम लोग ये घूम घुमा रहे थे, देख रहे थे। अच्छा, जिनको ना डिकोर वगैरह की चीज़ों का शौक है, होम डिकोर का, वो भी थी यहाँ पे शॉप्स, मैंने फर्स्ट टाइम देखी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, उनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी। और ये बर्तन वर्तन का जिनको शौक है, उसकी भी शॉप है वहाँ पर, बहुत बड़ी है, ये देख लें। ये ट्रॉली वगैरह खड़ी थी और ये होम डिकोर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, फूल वगैरह हर चीज़ थी, ये बहुत बड़ी शॉप थी। अंदर नहीं गई थी, इतना टाइम नहीं था, तो बस ये देख लें आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स थे इनके पास ना होम डेकोर के, तो जाके ले सकते हैं आप लोग।
अच्छा कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलेंगी बाज़ार के नस्बत, तो मतलब इतना ऊपर नीचे तो चलता है ना फिर। और जी ये देखें बस, यहाँ से मैं आगे जाती हूँ और दिखाती हूँ आगे क्या कुछ मिलता है। और ज्वेलरी थी, शूज़ भी बहुत अच्छे अच्छे थे, और ये बच्चों की भी शॉप्स थी यहाँ पे। और इसके अलावा बस यही था, और अब आगे बताती हूँ आप लोगों को। ये देखें जी, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके भी कपड़े थे स्टिच हुए हुए। ये देखें ज़रा आप, इतना सा बच्चा ये कपड़े कैसे पहनेगा इतनी गर्मी में, मुझे समझ नहीं आई। ये देखें जी, उसके बाद ये शॉप थी लेकिन मैंने इधर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कपड़े बहुत अच्छे थे, फैंसी थे, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद जी ये बैंगल्स, ज्वेलरी, हर चीज़ थी इनके पास। ये जो लॉकेट वगैरह ना, ये 150-100 इतने का मिल जाता है वहाँ से ना। उसके बाद ये सारे जितने भी शूज़ थे, ये ब्लू वाला शूज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये थे आई थिंक 500-600, हाँ पता नहीं 5 के थे या 600 के, मतलब इसी रेंज में थे। ये देखें बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छे शूज़ थे, गंदे नहीं थे, अच्छे शूज़ थे। बाकी पसंद तो सबकी अपनी अपनी होती है ना। ये देखें, इसमें शूज़ भी थे दूसरे वाले जो होते हैं, ओपन वाले भी थे, बंद वाले भी थे, बहुत अच्छे अच्छे थे 600-500 की रेंज में। तो लॉन के ड्रेसेस के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये बैग की शॉप भी थी, और ये देखें जी ये हम एक और शॉप पे आ गए थे, इनके पास भी बहुत सारी वैरायटी थी। ये देखें शर्ट कितनी प्यारी लग रही, इसका कलर भी बहुत प्यारा था, और आई थिंक ये थी 1500 की थी या 1200, अच्छा जितनी भी यहाँ पे शर्ट्स थी ना वो इसी ही रेंज में थी, 1500-1200। और ये देखें, ये मैं डिज़ाइन दिखा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह आप लोग भी समर में बनवा सकते हैं अगर ख़ुद से आपने स्टिच करवाने हैं ना। उसके बाद ये ब्लू वाली शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही थी, फुल एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट्स थी, मतलब ईद के हिसाब से बहुत अच्छी थी। उसके बाद जी ये देखा आ रही हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ आके थोड़ी सी फील आती है कि अच्छा हम भी किसी बड़े शहर में रहते हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाके लगे कि हाँ भाई ये बहावलपुर भी अब बड़ा शहर बन गया ना। लेकिन भाई पूरा अमन शहर है, बहुत हमें तो बहुत पसंद है अपना शहर। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग, आप लोग कहेंगे लिफ्ट है फिर भी स्टूडेंट्स जा रही, क्योंकि मेरे साथ ही मम्मा और वो जी लिफ्ट में नहीं जाती, कहती हैं अगर लिफ्ट बंद हो गई तो फिर। और जी ट्रेड सेंटर की एक बात समझ नहीं आती मुझे, जहाँ से भी घूम घुमा के आओ उसी शॉप पे आ जाओगे जहाँ से पहले आप लोग देख के गए थे। ये पता नहीं क्या मसला है, हम तो हमेशा ही ऐसे ना गुम हुए रहते हैं उसके अंदर। उसके बाद जी ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसका कलर भी बहुत अच्छा था, और ये जी मेरी फेवरेट, मतलब ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, क्योंकि अब मैं वीडियो में देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं ली थी, क्योंकि ये शर्ट बहुत अच्छी थी, समर का स्टफ़ था इस शर्ट का, और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी ईद के हिसाब से, मतलब भी बहुत अच्छी थी। और आई थिंक ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी लेकिन बहुत अच्छी थी। और ये देखें शर्ट आप लोग, मतलब अगर थोड़ा सा ईद पर आप ट्रेडिशनल सा करना चाह रहे हैं उसके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये इस तरह काम नहीं था जो चुभने वाला हो ना, ये बहुत अच्छा सा था, मोटे मोटे साथ काम था लेकिन बहुत अच्छा था। मुझे पर्सनली ना ये शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, इसका स्टफ भी बहुत अच्छा था और काम भी बहुत अच्छा था, चलने वाला था। तो इसके प्राइस आई थिंक थे 3500 थे या फिर शायद 3000 की थी ये शर्ट ना, तो मतलब पैसों के हिसाब से शर्ट बिल्कुल ठीक थी, 10x10 है, मतलब बहुत अच्छे थे। ये देखे करीब से मैंने दिखा दिया, और इस तरह के फ्रॉक तो होए इतने थे ना, पता नहीं इतनी गर्मी में किसने पहनने हैं इस तरह के कपड़े, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद जी ये फिर से मैं आप लोगों को लॉन का स्टफ दिखा रही हूँ, ये मेरी मम्मा को शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी ब्लू वाली ना, वो कह रही थी ले लो, हमें से किसी ने भी नहीं ली। उसके बाद जी ये सारा, ये देखें ये भी बहुत अच्छे थे, जो शादियों वाला होता है ना कपड़े वो थे। उसके बाद ये ग्रीन वाला मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा था, और इसकी प्राइस थी आई थिंक फुल सूट के 35 का था ये शायद ना, तो फुल एम्ब्रॉयडरी थी आगे इसके और ना, लेकिन ना इसमें ना ये बस स्मॉल था शायद ना, ये साइज ही था बस, मीडियम भी नहीं था, लार्ज तो वैसे ही नहीं था। उसके बाद ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये सारे समर का स्टफ़ था, और उसके अलावा और क्या दिखाना था आप लोगों को, डिज़ाइनिंग भी बहुत, ये देखें ब्लैक वाले पे कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग हुई हुई है, पर्ल्स लगे हुए हैं, चुन्नट हैं, तो मतलब बहुत डिज़ाइनिंग वाले ड्रेसेस थे, बहुत अच्छे थे। ये मुझे कुछ सही लगा था, वो जो बाहर ग्रीन दिखा रही थी उस तरह का, लेकिन उसमें वो साइज़ नहीं था, और ये बस मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे। उसके बाद जी एक और शॉप थी ये वाली, अल्लाह इस पर बहुत प्यारे कपड़े थे, बहुत रीज़नेबल थे, ये देख लें छोटे छोटे इस पर बंच हैं, स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये समर के लिए नहीं है, ये शादियों वगैरह के लिए है ना, तो इनमें ये देखें कलर्स कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, मतलब कैजुअल तो नहीं कह सकते, थोड़े सेमी फॉर्मल फॉर्मल वाले ड्रेसेज, लेकिन मतलब और रेंज इनकी बिल्कुल सही थी, आई थिंक 4000 या मतलब 5000 से ना इनके स्टार्ट थे कपड़े, और बहुत अच्छे थे। ये जो फैंसी है ना ये वाले 7000 तक थे, 5000-6000 में, तो उस हिसाब से ठीक है, पूरा सूट आपको मिल रहा है। और ये देखें ये फ्रॉक मेरी बहन को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये सारे दिखा रही हूँ, अच्छा इसमें फॉर्मल भी थे, सेमी फॉर्मल भी थे, समर के भी थे, सारे उन्होंने मिक्स लगाए हुए थे। तो ये देखें जी ये मैं वही दोबारा से देख रही हूँ, बस मेरा दिल आ गया था, इन कपड़ों पर बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वाली जो थी ना ये वाली शॉप थी जिन पर ना ये सारा कुछ था। उसके बाद हम लोग आ गए थे नेक्स्ट शॉप पर, और इनके पास जी तकरीबन समर के भी थे, और उसके जो दूसरा स्टफ़ होता है क्या बोलते हैं उसको, एक तो वॉइस ओवर करते हुए वर्ड्स ही ख़त्म हो जाते हैं, तो जी ये पता नहीं कौन सा स्टफ़ होता है, एक मुझे नहीं, मसूरी, हाँ जी
मसूरी भी थी और उसके अलावा एक होता है विस्कॉस, हाँ ये भी सारे स्टफ़ थे ना इनके पास, क्योंकि गर्मी में लॉन के अलावा भी ये वाले स्टफ़ भी चलते हैं। तो ये सारे आप लोगों को दिखा रही हूँ, डिज़ाइनिंग देख लें, एम्ब्रॉयडरी देख लें, 1500 1200 इससे ऊपर ऊपर की शर्ट्स थी ये सारी, पूरे पूरे सूट भी थे वो, फिर आप वहीं से ले लें, मैच कर लें ट्राउजर्स दुपट्टे, तो ये अच्छे ईद के हिसाब से अच्छे कपड़े बन जाते हैं। थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी भी होती है, सिंपल शर्ट्स भी थी और जो है ना थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली भी थी, ट्राउजर्स भी लगे हुए थे, दुपट्टे भी थे, ये वाली शॉप थी, इस पर आप जा सकते हैं। उसके बाद जी ये नीचे जी फूड पॉइंट था सारा, हम लोगों ने कहा देखते हैं अगर कोई खा पी रहे हैं, अगर अच्छी जगह हुई तो कुछ खाएंगे पिएंगे वरना चलेंगे। और ये देखें आप लोग, मतलब इतना छोटा सा फ्रॉक था, इसकी डिज़ाइनिंग चेक करें, इतनी डिटेलिंग हुई हुई थी ना इसके ऊपर। तो जी नीचे चलते हैं और फिर आगे आप लोगों को शॉप्स का बताती हूँ। उसके अलावा ज्वेलरी भी बता दी आप लोगों को, कवर कर दी मैंने, और कपड़े भी कवर कर दिए, शूज़ भी कर दिए। तो उसके अलावा ये बच्चों की टॉयज़ वगैरह की शॉप्स थी। अच्छा बॉयज़ की ना मुझे इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आई यहाँ पे ना वैरायटी, और जैसे जीन्स और शायद होंगी शॉप्स, तो हम गए नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा मुझे नज़र भी नहीं आई शायद इतनी ज़्यादा ना, शॉप्स होंगी लेकिन बहुत कम कम सी थी ना वो, मेरे ख्याल में फ्रंट साइड पर ही आ जाती। हाँ ये देखें ये आ गई थी, और ये फ्रंट फ्रंट पर ही है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता आपको, टी शर्ट जीन्स ये सारा कुछ था। और ये देखें जी ये फैंसी सूट कितना अच्छा लग रहा है मेहंदी माइयों के लिए, किसी ने लेना हो तो ये देखें, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था येलो शॉकिंग पिंक के साथ। और फिर से ज्वेलरी सेक्शन में आ गए थे, क्योंकि मेरी बहन जो है ना ज्वेलरी की बहुत बड़ी क्या कह लें बस जी, उसको हर जगह ज्वेलरी देखनी होती है सबसे पहले। ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे अच्छे थे, लॉकेट्स लगे हुए थे, लॉकेट जो थे ना ये 150 200 इसी रेंज में थे, लॉकेट अच्छे थे वैसे में ना काफ़ी, जो आपके नेम वाले होते हैं वो भी थे और अल्फ़ाबेट्स वाले भी थे सारे थे। और जी वॉच भी थी, वॉच जो थी ना वो 350 तक की वॉच थी, वो भी सही थी, अच्छी थी ना, जो लड़कों के लिए किसी ने मतलब घर में बच्चों के लिए लेनी हो तो वो ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर बाज़ार में देखा जाए तो सस्ती मिल जाती है वैसे वॉच ना, 200 250 तक ईजिली मिल जाती है वहाँ पर भी। और जी ये टू पीस सूट लगे हुए थे जिन पर सेल थी, आई थिंक समर के थे ये सारे। उसके बाद जी ये पाकिस्तान जो है ना ये शॉप सिल्क सेंटर है क्या, इन पे भी वैरायटी अच्छी होती है, लेकिन हम लोग नहीं गए थे क्योंकि इनके पास जो है ना जो आपने सामान बाय किया होता है ना वो रखना पड़ता है, कार्ड वार्ड लेना पड़ता है, मतलब वो टोकन सा फिर अंदर जाना पड़ता है, तो इस झंझट से हम लोग जाते ही नहीं है। ये सारे जी यहाँ पे कट पीस लगे हुए थे एक तरफ ना, तो वो भी हमने नहीं देखे क्योंकि इतना टाइम नहीं था, और कट पीस देखने बैठ जाते हैं ना, तो जो खुद स्टिचिंग करते हैं ना वो लोग जाके वैसे देख सकते हैं क्योंकि उनको पता होता है कितना कपड़ा कितना क्या लगना होता है ना। और ये आ गए थे, मेरी मम्मा की फेवरेट शॉप है ये इंटरनेशनल, वो यहाँ पे ज़रूर आती हैं और ज़रूर कपड़े लेती हैं, इनके बाद ब्रांडेड होते हैं और बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, चिकनकारी के थे और भी जितनी भी वैरायटी आई हुई होती है ना वो सब थे इनके पास ना। और ये सारी सेल लगी हुई थी समर की, इसमें आई थिंक पता नहीं कितने कितने वाले सूट थे, शायद कहीं नज़र आ जाए लगे हुआ ना टैग, तो इनके पास अच्छी थी। और जेंट्स वैरायटी भी थी इनके पास, जेंट्स भी बहुत अच्छी थी, वैसे हमने जेंट्स आज तक नहीं खरीदी, लेडीज़ ली हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे ये फूड पॉइंट पर, ऐसा कैसे हो सकता है इतना घूम फिर के कुछ अनहेल्दी या हेल्दी सा ना खाओ, तो जी हमने गोलगप्पे लिए थे, फ्रूट चाट ली थी, कोल्ड ड्रिंक ली थी, वो हम खाएंगे पिएंगे और उसके बाद बस। अब हम लोगों ने आई थिंक कुछ नहीं लेना था या पता नहीं लेना था, दिखाती हूँ आप लोग। अच्छा ये शर्ट्स भी लगी हुई थी, ये भी बहुत रीज़नेबल थी, जो आम कैजुअल होती है ना घर के लिए वो लगी हुई थी शर्ट्स। बस शर्ट्स वर्ट्स देखिए हम लोगों ने, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, अगर और कुछ नज़र आता है तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दूँ बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कुछ मिला या नहीं मिला वहाँ से। रेंज जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है, शर्ट्स किस रेंज में थी, जो फुल ड्रेस थे वो किस रेंज में थे, शर्ट जो थी ना 1500 1200 से स्टार्ट थी, एम्ब्रॉयडरी वाली भी थी, सिंपल भी, सिंपल वैसे जो कैजुअल होती है ना वो काफ़ी कम रेंज में थी, जो एम्ब्रॉयडरी वाली थी ना वो जो थी ना वो 1200 से स्टार्ट हो रही थी तकरीबन ना। और उसके अलावा जो थोड़े फैंसी में आ जाती हैं वो जो थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, 3500 की थी, 4000 की थी, जितना ज़्यादा गुड़ उतना मीठा। उसके बाद जी शूज़ थे वो 600 500 के थे, और जिन्होंने अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की तो वो उनके लिए तो वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, रहेगी, आई होप कि आप लोगों को मतलब वीडियो देख के कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। और आप लोग जाएँ विजिट करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने बाय की हैं चीज़ें कि नहीं की, कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। और इसके अलावा अगर मैं दोबारा गई किसी और मार्केट तो मैं वो भी वीडियो डाल दूंगी ईद से पहले पहले, ताकि क्योंकि अच्छा अब वो नहीं रह गया कॉन्सेप्ट कि रमज़ान में जो है वो ईद कलेक्शन आएगी, अब ऐसा नहीं होता, अब अभी से आना शुरू हो गई हैं चीज़ें, कलेक्शन आ रही हैं ईद के हिसाब से ही आ रही हैं, तो आप लोग जाके पहले से ही ले सकते हैं क्योंकि रमज़ान में रोज़े के साथ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब वैरायटी बहुत अच्छी है, रमज़ान का वेट ना करें कि भाई ईद से पहले जाएंगे, तब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं और वैरायटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम 2 साल पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं, शॉप वाले खुद कहते हैं कि किसने कह दिया कि अब रमज़ान में आएगी, जो आ रही है अभी से ही आ रही है, ईद कलेक्शन ही आ रही है।
तो आप लोग जाएँ विजिट कीजिएगा ज़रूर। अच्छा ब्रांड्स पे भी मैं गई थी लेकिन वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते, बहुत मुश्किल हो जाती है वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने वो कोई ख़ास वीडियो बनी ही नहीं मेरी। अगर दोबारा चक्कर लगा तो मैं पूरी ट्राई करूँगी कि चोरी चोरी जो है ना वीडियोज़ बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद ये सारा सर्कुलर रोड था वो मैं दिखाई थी आप लोगों को। यहाँ पर भी शूज़ की बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, बोर्जान है, ये सब कुछ है, स्टाइलो है, इनके पास भी शूज़ बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप कैजुअल से शूज़ लेना चाह रहे हैं घर में पहनने के लिए तो वो 500-600 लॉन के ड्रेसेस के साथ बहुत बिल्कुल सही रहते हैं, ले सकते हैं आप लोग ना। बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, नहीं भी आई तो पसंद करने की कोशिश करें, आ जाएगी पसंद। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते भाग जाते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें। और जी जल्द आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें किस तरह की मुझे वीडियोज़ लानी चाहिए, क्या आप लोग देखना चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ में, और भावलपुर की मतलब कोई अगर इस तरह की जगह है जो मुझे नहीं पता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो यहाँ पर रहते हैं तो मैं वहाँ जाके भी ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। चलें जी यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, और जी जल्द आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।